रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पानी वाले पकौड़े बनाएंगे, पानी वाली फुल्की भी कहते हैं इसे। बहुत मज़े के बनते हैं, बड़े खट्टे मीठे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। देखिए, मैंने एक कप बेसन लिया है। बहुत आसान, बड़े सिंपल, बड़े झटपट से ये तैयार हो जाते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। ये देखें, 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने लिया है, जिसको मैं हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने पिसी लाल मिर्च और 1 पिंच मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर किया। इसको हम जो है अच्छे से इसको मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे पहले ऐसे, और इसको हम अच्छे से फेंट के, बस ध्यान रहे इसमें कोई लम्स ना रहे बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा पतला ना हो, वरना फिर पकौड़ियाँ अच्छे से नहीं बनती हैं। देखें, बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। पानी इनफ हो गया हमारा इसके अंदर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत, और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे बाद में। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। और वीडियो एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स वॉच किया करें, उसके बाद सब्सक्राइब किया करें। देखिए, ये हमारा हो चुका है बेसन। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें हमने मैदा ऐड किया है सेट हो जाए। देखिए, अब हम इसका पानी बना लेंगे। 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, 8 से 10 मैंने लहसुन के जवे लिए, और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, इसको मैंने काट लिया है, और ये मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ। मीठा सा पानी बनता है, बहुत मज़े का। इमली देखे मैंने भिगो के रखी थी, ये उसका पल्प निकाल लिया है, वो ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। इतना मज़े का इसका पानी होता है, इतना टेस्टी होता है। बिल्कुल ज़रा सा इसमें पानी डालेंगे हम इसके अंदर, और उसको हम ब्लेंड करके, ये देखें मैंने इसको बिल्कुल छान लिया है किसी स्ट्रेनर में अच्छे से। थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, काला नमक ऐड कर रही हूँ उसके अंदर थोड़ा सा, बहुत हाजिम होता है काला नमक, और इसमें मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर चाट का मसाला भी 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। ये पानी हमारा बिल्कुल रेडी है। देखें, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसकी पकौड़ियाँ तल लेंगे छोटी छोटी। बस इसको इतनी ही बड़ी बनाएंगे ताकि जो है ये पानी में जाके थोड़ी सी और फूल जाएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को 3 to 4 मिनट वॉच किया करें, फिर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। देखिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा कलर करेंगे हम इसको। बहुत लाइट से बनते हैं और इतने मज़े के होते हैं कि बस इसको दिल चाहता है खाए जाओ, बस बहुत मज़े के बनते हैं। रमज़ान स्पेशल हमारा रमज़ान आ रहे हैं, इसको अब हमने तल लिया है देखें, और इसको मैं सिर्फ आधे मिनट के लिए इसको पानी में डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि इसका थोड़ा सा जो ऑयल एक्सेस है इसमें निकल जाए और ये थोड़े से नरम हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा पानी में डिप करके रखेंगे तो वो टूट जाते हैं फिर। अभी देखिएगा 3-4 मिनट के बाद फूल के काफ़ी फूल जाएंगे, तो इनका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। थोड़ी सी इस पे हम प्याज स्प्रिंकल कर देते हैं ऊपर से। ये देखें, देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं। पानी वाले पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं, बहुत मज़े के, बड़े खट्टे मीठे और चटपटे से होते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। इंस्टाग्राम, टिकटॉक को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।